होशंगाबाद जयस्तंभ के पास मेन मार्केट में दुकान मकान में लगी आग, जहां दो दुकान के अलावा तीन मुस्लिम परिवार दुकान से लगे मकान में रहते थे। इनकी रुई का होलसेल व फुटकर का व्यापार था, इसलिए इस दुकान में रुई अधिक मात्रा में रखी हुई थी। वहीं मकान पुराना होने से मकान में लकड़ी और टीन की चादर का उपयोग किया गया था। जहां रुई की दुकान में भीषण आग लगी, वहीं लकड़ी का मकान होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग को देखते घर में रहने वाले तीनों परिवार के लोग अपनी जान बचाकर बाहर भाग आए। उस क्षेत्र के रहने वाले व दुकानदार लोग मदद के लिए आगे पर आए, तब तक सब जलकर खाक हो चुका था। मौके पर नगरपालिका अधिकारी शैलेंद्र बडौनिया अपने नगरपालिका टीम व फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, वरना मार्केट में आग फैल सकती थी, जिससे और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। घर में रहने वाली महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल था। मौके पर मौजूद नगरपालिका अधिकारी शैलेंद्र बडौनिया व थाना प्रभारी संतोष सिंह ने परिवार के लोगों को दिलासा दिलाए। वहीं विधायक प्रतिनिधि प्रकाश शिव हरे ने विधायक की ओर से तत्काल 10,000 रुपए देने की घोषणा की। इस विपत्ति के समय हिंदू मुस्लिम के भाईचारे देखने को मिले, जो देश के लिए मिसाल है। शॉर्ट सर्किट होना तात्कालिक रूप से भी बताया है, जिसमें जांच की जाएगी किस आधार पर, और जो शासन से निर्धारित मुआवजा राशि है वो भी प्रदान की जाएगी। चार परिवारों के सामान जलना, उनका मकान नष्ट होना, अभी तात्कालिक रूप से जो जानकारी ली गई है, और इसका विस्तृत जांच होगी, और जो भी आर्थिक सहायता शासन की तरफ से इनको किया जाएगा। माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि प्रकाश शवरे जी खड़े हुए, उन्होंने बताया कि माननीय विधायक जी ने 10,000 रुपये की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई है। अभी माली भरा था, उसमें उनका पूरा राख हो चुका है सर। अब इनके पास जे भी हमारी भाभी बाबई गई थी माई के शादी में, अभी आई है, उनके पास एक गिलास भी नहीं है पानी पीने के लिए, पूरा नुकसान नीचे। और एक और भाभी आने वाली हमारी, उनकी दो लड़कियां हैं, उनका भी पूरा सामान जल चुका है सर। हमारा भाई नहीं है अभी, कितने परिवार नहीं, उनके पति, तीन परिवार नाश होगा सर। तो आपका कितने लाख तक का नुकसान हो गया? अब हम कैसे गिनला, अभी माल ही भरा है हमने 1.5 लाख रुपए का, पूरा हमारे भाई ने गद्दो गृहस्थी नाश हो गई सर। आप खुद देख सकते हो, कूलर है, टीवी सब पूरा नाश हो गया, फ्रिज तक बर्बाद हो गया। अब कैसे गृहस्थी बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे दुकान बनाएंगे सर? आप ये कुछ सोच, आपकी जान माल का तो किसी का जान का तो नुकसान नहीं सर हमारा कुछ। आज आग लगी किस कारण से लगी? कुछ आज शॉर्ट सर्किट लगी था। तो कितने का लगभग माल था? सब करीब 2.5-3 लाख का माल जल गया। आप ही का है? जी हाँ। तो क्या क्या जला उसमें? सब पूरे कपड़े जल गए, रुई जल गई, घर के बिस्तर जल गए, घर के पूरे गस्ते सामान जल गए, कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी रकम पात तक नहीं निकाल पाए, कुछ भी नहीं। बच्चों को बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकाला गया। कोई जनहानी हुई क्या? नहीं, जनहानी नहीं हुई। कैसे, किसने बताया आपको कि आग लगी? हम सामने वही थे, हम लोग यहीं पे थे। हाँ, सामने लगी। R9 भारत जिला ब्यूरो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, योगेश राजभर की रिपोर्ट।